विशाल मटका स्विमिंग पूल। सोहन एक बिना माँ बाप का बेटा था। अब वो अपने चाचा चाची के साथ ढोलपुर गांव में रहता था। अरे सोहन के बच्चे कहाँ मर गया? देख तो, छुटकी और मोनू स्कूल से आ गए हैं। उनका बैग अंदर रख और उनके लिए खाना लगा। सोहन ने मोनू और छुटकी को खाना दिया और खुद भी खाने बैठ गया। पर ये क्या? अरे तुझे किसने कहा था खाने को? कहकर अनीता ने सोहन के हाथ से प्लेट छीन ली और खुद खाने लगी। और चल ये सारे बर्तन अच्छी तरह से धोकर रख दे। अगले दिन सोहन की नींद सुबह समय पर नहीं खुल पाती। अरे क्या हुआ, अब तक सो रहा है? चाची मुझे बुखार है, मुझसे आज काम नहीं होगा। चल निकल मेरे घर से, आलसी कहीं का। मैं कहाँ जाऊंगा चाची, मुझे बाहर मत निकालो। पर चाची घर के दरवाजे बंद कर लेती है। सोहन हिम्मत करके घर से बाहर दूसरे गांव की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंचता है। थोड़ी देर में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और थोड़ा आगे जाकर देखता है कि एक मछली नुमा सुंदर सी लड़की की पूंछ एक विशाल से पत्थर के नीचे दबी पड़ी है। कौन हो तुम और तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी पूंछ इस पत्थर के नीचे से निकालो, मैं यहाँ धूप सेकने आया करती हूँ। और कल मैं इन पत्थरों के रास्ते से जा रही थी, तभी मेरी पूंछ पत्थरों में फंस गई। सोहन बहुत मुश्किल से पत्थरों के अंदर से जल परी की पूंछ को बाहर निकालता है। जल परी बहुत खुश होती है और सोहन का हाथ पकड़कर उसे नदी में खींच लेती है। नदी के नीचे की दुनिया बहुत सुंदर थी। रंग बिरंगी मछलियाँ और अनेकों जलपरियाँ वहाँ दिखाई दे रही थीं। लो कर लो बात, मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सोहन है। और सोहन ने अपने जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया और रोने लगा। आज से तुम हमारे मेहमान हो, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं इस मछली लोक की राजकुमारी हूँ। जितने दिन यहाँ रहना चाहो रह सकते हो। जलपरी ने सोहन को भरपेट भोजन और मिठाइयाँ खिलाई, उसे नए कपड़े पहनने को दिए। 2-3 दिन आराम करने के बाद सोहन को अपना घर याद आने लगता है। वो जलपरी से कहता है, मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। जलपरी ने सोहन को खुशी खुशी विदा किया और चलते समय एक बहुत विशाल मटका स्विमिंग पूल की तरफ इशारा करते हुए सोहन को कहती है, ये तुम्हारा है। ये तो बहुत विशाल है, मैं इसका क्या करूँगा और मैं इस विशाल मटका स्विमिंग पूल को लेकर कैसे जाऊँगा? अरे ये देखने में तुम्हें विशाल लग रहा है, अपनी आंखें बंद करो और एक मंत्र बोलो, विशाल मटका स्विमिंग पूल बनकर हो जा छोटा। 3 बार ये मंत्र बोलना है। थोड़ी देर में विशाल मटका स्विमिंग पूल छोटा हो गया और सोहन ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। ये जादुई विशाल मटका स्विमिंग पूल है, इसमें जो भी व्यक्ति डुबकी लगाएगा उसकी बीमारियां दूर हो जाएंगी और वो कुछ भी मांगेगा वही उसे मिल जाएगा। बस एक शर्त है कि इससे कभी कोई भी ऐसी इच्छा मत मांगना जिससे किसी का बुरा हो। सोहन विशाल मटका स्विमिंग पूल छोटा होने पर जलपरी से विदा लेकर अपने घर की ओर बढ़ चला। रास्ते
रास्ते में सोहन को कुछ लोग रोते हुए दिखाई पड़े। सोहन उनके पास जाकर बोला, क्या बात है, आप लोग इतना क्यों रो रहे हो? अरे क्या बताएं, हमारे गांव में एक अजीब सी बीमारी फैली है जो शरीर में बहुत खुजली पैदा करती है, फिर शरीर को कमजोर कर एक हफ्ते में मार देती है। ये कौन सी बीमारी है, हमारे गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बूढ़ा व्यक्ति बोला। बेटा, एक साल से हम 2-3 गांव इस बीमारी से जूझ रहे हैं। काका, ये कौन सा साल चल रहा है? काका ने उसे जो बताया उसको सुनकर सोहन के होश उड़ गए। असल में जलपरी के राज्य में एक दिन 3 महीने के बराबर था और सोहन वहाँ 3-4 दिन रुका था, यानी कि लगभग 1 साल बाद सोहन अपने गांव की ओर लौट रहा था। लोगों को रोते चिल्लाते देख सोहन वहीं रुक गया और सबको एक मैदान में चलने को कहा। वहां जाकर सोहन ने अपने हाथ में लिए मटके को मंत्र की सहायता से विशाल मटका स्विमिंग पूल में बदल दिया और सब लोगों को कहा कि सब इसमें बारी बारी से डुबकी लगाओ। और फिर चमत्कार हो गया, 10 मिनट में ही लोगों की बीमारी दूर हो गई। पूरे गांव में विशाल मटका स्विमिंग पूल वाली बात आग की तरह फैलने लगी। बात पहुंची सोहन के चाचा चाची के कानों तक, छुटकी को ये बीमारी लग चुकी थी। सोहन के चाचा चाची भी गए विशाल मटका स्विमिंग पूल में छुटकी को डुबकी लगवाने। वहां बहुत भीड़ लगी थी, एक बड़े से क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विशाल मटका स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा था। सोहन, तू कहां चला गया था रे, चलो अब हमारे साथ घर चलो। कुछ दिनों बाद सोहन अपना मटका लेकर चाचा चाची के पास वापस आ गया। उस दिन घर में खाने को अनाज बिल्कुल भी नहीं था। जब सोहन ने आंखें बंद कर ये मंत्र पढ़ा कि विशाल मटका स्विमिंग पूल हो जा बड़ा, 3 बार बोला तो विशाल मटका स्विमिंग पूल बहुत बड़ा हो गया और उसमें चमकीला पानी चमकने लगा। विशाल मटका स्विमिंग पूल में से एक डुबकी लगाते ही भोजन हाजिर हो गया। विशाल मटका स्विमिंग पूल की सहायता से रमेश ने अपना साइकिल रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर लिया। एक बार दूर दराज के गांव में सूखा पड़ गया, सभी लोग काफी परेशान हो गए कि पानी कहां से लाएं। अचानक एक दिन कुछ लोग सोहन के पास आए। हमारे गांव में सूखा पड़ा है, विशाल मटका स्विमिंग पूल की सहायता से सूखे से राहत दिलवा दो। सोहन ने विशाल मटका स्विमिंग पूल को खोल कर रख दिया और सभी लोगों को उसमें पानी भरने को कहा। सप्ताह भर में दूसरे गांव की सूखे की समस्या समाप्त हो गई। अब चाची को सोहन की जय जयकार अच्छी नहीं लग रही थी, उसने विशाल मटका स्विमिंग पूल को चुराने का निर्णय किया और एक रात चुपके से उसे चुराकर बाहर ले आई और मंत्र की सहायता से उसे विशाल मटका स्विमिंग पूल बना लिया, फिर उसमें उसने डुबकी लगाई। विशाल मटका स्विमिंग पूल, मुझे दे दो हीरे जवाहरात। दूसरी डुबकी लगाई। विशाल मटका स्विमिंग पूल, मुझे दे दो सोने के गहने। ये दोनों चीजें विशाल मटका स्विमिंग पूल से अनीता को मिल गईं। अब तीसरी डुबकी में उसने, विशाल मटका स्विमिंग पूल, तू सोहन को अपने अंदर डुबा ले और उसका अंत हो जाए। विशाल मटका स्विमिंग पूल से कोई भी गलत इच्छा नहीं मांग सकते थे, ये बात अनीता को नहीं पता थी। इतना कहते ही अनीता स्विमिंग पूल में डूबने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास पड़ोस के काफी लोग, सोहन और रमेश भी आ गए। सोहन को बात समझते देर नहीं लगी और उसने विशाल मटका स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई और कहा, हे विशाल मटका स्विमिंग पूल, मेरी चाची से गलती हो गई है, उन्हें माफ कर दो और छोड़ दो। थोड़ी देर में
चाची स्विमिंग पूल से बाहर आकर बोली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगी और सोहन को मोनू की तरह प्रेम से रखूँगी। कुछ महीनों में सोहन स्कूल भी जाने लगा है। अनीता उसे मोनू और छुटकी की तरह प्यार करने लगी है। किसी ने सही कहा है, कभी किसी का बुरा मत करो।